हटो हट दो खिड़की पे हटो हाँ यारा सही है चाण दो आण दो हाँ 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 समझ रहा हूँ मेरी बात। हटो भाई हटो छोड़ो खिड़की पे सटियो तारी पे हर हर समझे रटा मैं आगे तेरा फोटो बस ले लियो मैंने जाकिरा भाइयो भाइयो इनको भी बुला लो इन भाइयों को भाई इस लोग कहिया भाई समझ भाई कोई जबरदस्ती नहीं है वो अपनी जिंदगी के बारे में खुद सोचेगा कोई किसी का जिम्मेवार नहीं रहेगा अगर उसके साथ में कोई भी हादसा होता है तो उसका जिम्मेवार वो खुद होगा ये सभी को पता है क्योंकि बोलो उस्ताद बोलो बात ये ना तो पास होने चाहिए ना मतलब लोड होने चाहिए ये गाड़ी लोड होने अगर आज आप तीन दिन या दो दिन के लिए रुक जाते हो ना तो आपकी हर चीज मानी जाएगी ये तो सभी को पता है कंपनी भी मानेगी सरकार भी मानेगी जब रोड पे गाड़ी ही नहीं रहेंगी तो कंपनी भी मानेगी और सरकार भी मानेगी अगर आप लोड करने जाते हो तो ये आप खुद की स्वयं जिम्मेवारी होगी किसी अन्य तक किसी दूसरे की नहीं होगी कोई नहीं लेगा ना मोटर मालिक लेगा ना बाबू लेगा कोई नहीं लेगा भाई थोड़ा ऊंचा हो सभी ड्राइवर भाइयों से हमारा नमस्कार धन्यवाद और सभी भाई को बोलते हैं कि स्ट्राइक कर दीजिए कोई भाई लोड पे मत जाइए क्योंकि ये सबके बीबी और बच्चे की बात है थोड़ा आवाज में बोलो ये सबके बीबी और बच्चे की बात है सबकी बात है दस दस साल की सजा 10 लाख रुपया जुलवाना कौन भाई भरेगा 5,000-10,000 की हम नौकरी करने वाले हम कहाँ से भर सकते हैं तो इसके लिए सभी भाई ड्राइवर भाई से हमारा अनुरोध है कि लोड पे कोई भाई नहीं जाएगा जय हिंद जय भारत सुन ले सभी उरेलू ध्यान दे थोड़ा सा सुनो भाई सुनो देखो लोडिंग अनलोडिंग आप रोक दोगे तो आपके लिए फायदा रहेगा आपके भविष्य के लिए फायदा रहेगा आपके बच्चों के लिए फायदा रहेगा अगर अन्यथा आपके साथ में कोई भी हादसा हो जाता है तो उसमें ना तो कोई सरकार आएगी ना कोई कंपनी आएगी ना कोई बाबू आएगा ये स्वयं आपको ही भुगतना पड़ेगा इसीलिए आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि लोडिंग अनलोडिंग आपके हाथ में है रोकोगे या करोगे ये आपको सोचना है सभी रोकेंगे अनलोडिंग है भाई सभी मेरी बात से सभी भाई सहमत हैं सहमत लोडिंग अनलोडिंग सब रोकेंगे बिल्कुल रोकेंगे ड्राइवर एकता जिंदाबाद ड्राइवर एकता जिंदाबाद जय हिंद जय भारत जय हो जय चालक इंडिया कि सबको एक साथ रहना है मेरे भाइयों अगर किसी से भी कोई भी रोड पे कोई भी हादसा हो गया तो आपकी जो 10 साल की सजा है 5 लाख रुपए जुर्माना है वो आप पे लगाया जाएगा और आप अगर 10 साल के लिए चले गए या 5 साल के लिए चले गए या 6 महीने के लिए भी चले गए तो आपको परिवार को देखने वाला कोई नहीं है ना कोई बाबू आएगा ना कोई कंपनी आएगी ये आपको सोचना है और आपको करना है आज अगर हम एक साथ रहेंगे तो ये हम इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं
वरना नहीं लड़ सकते अगर अलग अलग रहेंगे तो। इसीलिए हमें एक साथ होना है, एक साथ रहना है। जय हिंद, जय भारत। और आपको सोचना है कि आपको गाड़ी लोड करनी है या नहीं करनी है, ये आपके हाथ में। और ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, काला कानून मुर्दाबाद, काला कानून मुर्दाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। जय हिंद भाइयों, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण सिंह, भारत एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज, गांव हिंचवाड़ी, तहसील पुनाना, जिला नुहमेवात, हरियाणा। भाई हम वहाँ फिलहाल अनंतापुर किया क्या पे हम सभी भाई ड्राइवरों ने मिलकर प्रदर्शन किया है। जो अपना काला कानून है सरकारी लेकर आई है, इस काला कानून के खिलाफ है हम बिल्कुल। तो इसलिए हम सभी ड्राइवरों से इकट्ठा होकर हम लोडिंग की मना कर दी है, क्योंकि क्या में 1-2 बजे से लोडिंग चालू है। इसलिए हमने धरना धरा है, क्योंकि हम गाड़ी लोड नहीं होने देंगे ना लोड करेंगे। इसलिए सभी ड्राइवर भाई इकट्ठा होके सब ने ये बात रखी है, हम गाड़ी लोड नहीं करेंगे जब तक ये काला कानून वापस ना हो। तो भाई हम हैं अनंतापुर किया, ये किया का प्लांट आपको दिख रहा होगा। इसलिए हम यहाँ पे काफ़ी ड्राइवर हैं, सभी कंपनियों का हैं, ऐसा नहीं है। हालांकि DGFC चेतक खास करके ज़्यादा हैं, तो सभी ड्राइवर भाइयों से निवेदन है, क्योंकि एकता बनाए रखो। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय हो, जय चालक इंडिया। व्हीकल हो, बड़ा व्हीकल हो या बड़ा ट्रक हो, बस हो, एम्बुलेंस हो, ये सबके लिए लागू है। और आप जो गाड़ियाँ चला रहे हैं और जो कंपनियों में बैठे हैं, आपसे आज जोर दे के ये कह रहे गाड़ी लोड कर लो या अनलोड कर लो। आपको रोड पे चलना है, ये आपको सोचना है आपके भविष्य क्या होगा रोड पे चलने से। अगर हादसा आपसे कोई भी हो जाता है तो वो हादसा आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, आपका बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, आपका परिवार बर्बाद हो सकता है। इसमें हम देखते हैं यही बात, कुछ कुछ कंपनी है जब से चेतक, तो हमारा अंदर कंपनी का ड्राइवर एक दो दो, जिसे गाड़ी भरनी हो तो यस करो और ना भरनी हो तो नो करो। कल को हमने मुहरा बना दियो, भाई हम तो भर रहे हैं, तुम क्यों नहीं भर रहे? हमारा बाबू भी सुन रहा है सारी बात, हमने ये बाबू ये बात कहना छूट गई, अरे मैं ना भरी, वो कंपनी वाला गाड़ी भर रहे हैं, जिसे नहीं भरनी है तो अभी यस या नो करो, और भरनी है तो भाई हमें भरेंगे। सभी कंपनी में यूनियन करो भैया, करो। अगर एक ड्राइवर गाड़ी भरता है तो उसके साथ में 10 गाड़ियां जाती है एक ड्राइवर के साथ में। इसीलिए सबको सोचना है कि मुझे क्या करना है, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, ये आपको तय करना है। इसलिए हम आपके पास चल करें भाई, आप भरनी है तो भाई हम भी भर लेंगे, उसमें क्या है, हम क्यों मोहरा बने भाई। बोल बोल जा, बोलना पत्रकार बोलो भाई।